नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है क्लास 10 जीव विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आपको विज्ञान में पूछे जाएंगे। तो पहला नंबर प्रश्न देखिए 32, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, उष्माक्षेपी। अगला प्रश्न है 33 नंबर, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, हाइड्रिला पौधे में, हाइड्रिला पौधे में। अगला प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर सी सही है, हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी सही है, वृद्धि। प्रश्न है, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? चूहा। ऑप्शन नंबर बी सही है, चूहा का हृदय तेज धड़कन होता है। अगला प्रश्न देखिए, पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है, पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, इनमें सभी। अगला प्रश्न है, अमीमा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? अमीमा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? अंतग्रहण। ऑप्शन नंबर बी सही है, अंतग्रहण। रक्त क्या है? रक्त क्या है? रक्त ऊतक है। ऑप्शन नंबर ए सही है, रक्त ऊतक है। अगला प्रश्न है, चालनी नालिकाएं पाई जाती है, चालनी नालिकाएं पाई जाती है, फ्लोएम में। ऑप्शन सी सही है, फ्लोएम। आरबीसी की जीवन अवधि होती है, आरबीसी की यानी लाल रक्त कण का जीवन अवधि होता है 120 दिन। ऑप्शन नंबर ए सही है, 120 दिन। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? स्टार्च। ऑप्शन नंबर सी सही है, स्टार्च। अगला प्रश्न है, मानव हृदय घिरा हुआ है, मानव हृदय घिरा हुआ है, पेरिकार्डियम। ऑप्शन नंबर ए सही है। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? मक्खी में। ऑप्शन बी सही है, मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन सी सही है। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक कौन है? आरबीसी लाल रक्त कण। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? आरबीसी लाल रक्त कण। ऑप्शन नंबर सी सही है। पौधे में
श्वसन होता है, पौधे में श्वसन होता है पत्तियों द्वारा। बिल्कुल सही सोचे, पत्तियों द्वारा। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? निमोनिया, ऑप्शन नंबर बी सही है, निमोनिया। मनुष्य के श्वेत रक्त कणिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? मनुष्य के श्वेत रक्त कणिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 12 से 20 दिन। ऑप्शन नंबर ए सही है। श्वेत रक्त कण वह होता है जो अगर आपको खोज छछार लग जाता है तो उजला सा जो पहले निकलता है उसके बाद रक्त निकलता है, तो इसे शरीर का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है श्वेत रक्त कण को। ये बाहर से वायरस कीटाणु जो कीड़े वेरे सब काटते हैं उसको उससे बचाता है। प्रश्न है, ओम के नियम निहित है, ओम के नियम निहित है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, वी बराबर आई आर में। ओम के नियम निहित है वी बराबर आई आर में, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की प्रवलता का एसआई मात्रक है, विद्युत धारा की प्रवलता का एसआई मात्रक होता है एम्पियर, ऑप्शन नंबर ए सही है, एम्पियर। अगला प्रश्न है, और बहुत ही जानदार प्रश्न है, धारा मापने के यंत्र को कहते हैं, प्रश्न एक हो गया। अथवा दूसरा नंबर प्रश्न है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की मापने के लिए क्या उपयोग होता है? दोनों प्रश्न एक ही है और यह दोनों प्रश्न आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में बहुत बार पूछे गए, इसमें तो कमी दर्शाया है, 12, 14, 15 लगातार पूछा गया है और इस साल जरूर पूछेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, आमीटर। जब आपको पूछे कि धारा मापने के यंत्र को कहते हैं तो आमीटर होगा, यह पूछा जाए कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है तो आमीटर, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है तो नाइक्रोम, ऑप्शन नंबर डी सही है, नाइक्रोम। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। यह प्रश्न दो बार आ गया है, 3.6 × 10⁶ जूल, 3.6 × 10⁶ जूल होता है एक यूनिट बराबर, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी सही है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है तो श्रेणी क्रम में, ऑप्शन नंबर ए सही है, श्रेणी क्रम में। अगला प्रश्न देखिए, जूल बटे कूलोम बराबर होता है, जूल बटे कूलोम बराबर होता है वोल्ट के, ऑप्शन नंबर ए सही है। किलोवाट घंटा मात्रक है, किलोवाट घंटा मात्रक है विद्युत ऊर्जा का, किलोवाट घंटा मात्रक है विद्युत ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर सी सही है।
दोस्तों यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा विज्ञान में बार बार पूछे गए ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। आप इस वीडियो को देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।